बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए 21 नियम समय निकालकर जरूर देखें। नंबर एक, हल्दी को यदि गर्म दूध के साथ लिया जाए तो यह गले में जमे हुए कफ को हटाती है और जुकाम में भी राहत दिलाती है। नंबर दो, हल्दी, नमक और सरसों के तेल को मिलाकर इससे दांतों पे लगाएं, दांतों में लगे हुए कीड़े मर जाते हैं। नंबर तीन, अमरूद का सेवन करने से सुस्ती और डिप्रेशन कम होता है। नंबर चार, रोजाना 10 से 15 मिनट पैदल चलने से डिप्रेशन दूर होता है। नंबर पाँच, ज्यादा सोचने और टेंशन लेने वाले इंसान के चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। नंबर छह, काजू खाने से दिमाग तेज होता है और नजर भी तेज हो जाती है। नंबर सात, खाना खाने के बाद शरीर में खून का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से नींद आने लग जाती है। नंबर आठ, जो रोजाना सुबह के वक्त एक टमाटर खाते हैं, उनके बाल कभी भी सफेद नहीं होते हैं। नंबर नौ, अगर आपको खांसी हो गई है तो अमरूद के पत्तों वाली चाय पिएं, इससे खांसी दूर हो जाएगी। प्रतिदिन सुबह थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने से पेट साफ रहता है और पेट संबंधित बीमारियां जैसे कब्ज आदि की प्रॉब्लम नहीं होती। नंबर 11, सरसों का साग खाओ, कभी भी खून की कमी नहीं होगी। नंबर 12, अगर आपके चेहरे पर ज्यादा पिंपल निकल आए हैं तो मुल्तानी मिट्टी को थोड़े से दही में मिलाकर गुलाब जल के साथ अपने चेहरे पर लगाएं, इससे कुछ ही दिनों में पिंपल गायब हो जाएंगे। शुगर के मरीजों के लिए खीरा बहुत ही फायदेमंद है, उन्हें खीरे का ज्यादा सेवन करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बेसन से बने पकौड़े खाने से शरीर में ताकत आती है और शरीर में हो रहे घाव भर जाते हैं। उबले हुए आलू का सेवन करने से वजन बहुत ही तेजी से बढ़ता है। जिन लोगों का वजन कम है या दुबले पतले हैं, उन्हें आलू का सेवन करना चाहिए। जब भी अपने नाखून काटें तो तेल लगाएं, इससे आपकी याददाश्त बेहतरीन होगी और कमजोर नजरें भी तेज हो जाएंगी। गले में इन्फेक्शन हो जाए तो गुनगुने पानी से थोड़ी सी हल्दी और नमक मिलाकर गरारे करें, बहुत ज्यादा आराम मिलता है। गरम मक्खन का इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। बालों में सूरजमुखी का तेल की मालिश करने से बाल मुलायम और रेशमी होंगे। रात को सोते समय यदि मच्छर परेशान करते हैं तो बिस्तर के पास नमक वाला पानी भरकर रख दें, इससे पूरी रात आपके पास मच्छर नहीं आएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।